Hello students, welcome back to your video classes. Hopefully all of you must be doing good at your homes. So students, today we will discuss something more about square and square roots. Till now we have discussed about the square roots of natural numbers, but today we will discuss about the square roots of decimals as well as fractions. Okay, तो decimal number दिया गया होगा या फिर fraction number दिया गया होगा तो फिर हम लोग square root कैसे निकालेंगे बच्चों? देखो process same रहेगा, long division method है ना, long division method हमें follow करना है, ठीक है, long division method हमें follow करना है, okay, और long division method से हम लोग निकालेंगे square roots किसका, ना square roots of decimal numbers, okay, decimal numbers, और हम लोग निकालेंगे square roots of fractions, हाँ, तो इन दोनों का method हम लोगों को आज देखना है बच्चों कैसे निकाला जाएगा, ठीक है, तो start करते हैं. मेथड सेम रहेगा, ठीक है, जैसे सपोज कर लो पहला एग्जांपल यहां पर दिया हुआ है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 32.49, स्क्वायर रूट ऑफ 32.49, ओके. अच्छा, डेसिमल वाले नंबर्स को सॉल्व करते वक्त डेसिमल के बाद अगर आप चाहोगे तो डिजिट के एंड के बाद आप जीरो ऐड कर सकते हो, है ना, जीरो ऐड करने में कोई भी रूल्स मतलब पाबंदी नहीं है, लिमिटेशन नहीं है, बट यहां पर तो हमारा मतलब पेयरिंग कंप्लीट है तो यहां पर हमें जीरो ऐड करने का जरूरत नहीं है. तो हमें 32.49 का स्क्वायर रूट निकालना है, बार लगा देते हैं यहां पर इस तरीके से, राइट साइड से लगाएंगे, ओके. अब उसके बाद वही सेम मेथड फॉलो करेंगे, पहला 32, तो कौन सा नंबर का स्क्वायर 32 के आसपास है, 5 का स्क्वायर है ना, 5 5 कितना होता है 25, तो इसे माइनस करेंगे बच्चों, है ना. अच्छा, 32 से 5 चला गया, बचा कितना 7, फिर सेकंड स्टेप क्या था, 5 को यहां लाकर ऐड कर दो प्लस 5, तो ये हो गया 10, फिर यहां एक डैश बनाओगे, यहां पर एक डैश बनाओगे, है ना. अब उसके बाद देखो 0.49 है ना, तो हम यहां पॉइंट लगा देते हैं और डायरेक्ट 49 को नीचे ले आते हैं, तो 749 हो गया, है ना, कितना हो गया 749, ठीक है. अब देखो, अब क्या करना है, 100 यहां पर 10 और यहां पे कुछ एक नंबर लिखेंगे, जो नंबर यहां लिखेंगे वही नंबर यहां पर भी लिखना है हमें, सेम नंबर्स हमें लिखना है, तो यहां पर 7 लिखा जाएगा बच्चों, 107 × 7 = 749, तो ये हो गया 0 माइनस करने पर, और स्क्वायर रूट हमें मिल चुका है, दैट इज 5.7, तो इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 5.7, ठीक है. इसी तरीके से दूसरा एग्जांपल हम लोग देखते हैं, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 79.21, स्क्वायर रूट ऑफ 79.21, ठीक है, 79.21, तो मेथड वही रहेगा, दैट इज 79.21, यहां पर इस तरीके से बार लगा दिए और उसके बाद लॉन्ग डिवीजन स्टार्ट करेंगे. एक ऐसा नंबर बताओ जिसका स्क्वायर 79 के आसपास हो, दैट इज 8, 8 × 8 = 64 होता है बच्चों, है ना, तो 8 का स्क्वायर वहां पर लगाया जाएगा, 79 से 64 गया तो बचा कितना, दैट इज 15, ओके. अब यहां पर इस 8 को लाकर ऐड कर देंगे 8, तो यहां हो गया 16 और यहां पर डैश 1. अब देखो 16 है इधर, 15 है, ऑब्वियसली 16 बड़ा है 15 से, तो यहां पॉइंट लगेगा और ये दो डिजिट डायरेक्टली नीचे आ जाएंगे, दैट इज 1521. अब उसके बाद यहां पर एक नंबर आपको फिल करना है, जो नंबर यहां फिल करोगे वही नंबर ऊपर में भी फिल करोगे और उनका रिजल्ट प्रोडक्ट का 1521 के आसपास आना चाहिए, तो 169 × 9 होता है बच्चों 1521, तो ये हो गया, माइनस करेंगे कैंसिल, तो हमारा रूट ओवर निकल गया है, दैट इज 8.9. तो इस तरीके से हम लोग स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं किसका, ना इस तरीके से हम लोग स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं डेसिमल नंबर्स का, किनका निकाल सकते हैं, डेसिमल नंबर्स का, ओके. और भी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग, ओके.
ये पहले दो एग्जाम्पल्स थे, ठीक है। और भी कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग देखेंगे बच्चों, जैसे यहाँ पर देखो दिया है फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ 0.4225, ओके। फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ, थर्ड एग्जाम्पल में दिया है स्क्वायर रूट ऑफ 0.4225, है ना, 0.4225, इसका स्क्वायर रूट हमें निकालना है। तो निकालते हैं लॉन्ग डिविजन मेथड से, ठीक है। इसे हम लोग लिख दिए दैट इज 0.4225, ठीक है, डबल डिजिट्स में इस तरीके से हम लोग लिख दिए। अब स्टार्टिंग में ही जीरो पॉइंट है तो यहां पर पहले ही जीरो पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। अब आप सोचो एक ऐसा नंबर, ठीक है, जिसका स्क्वायर 42 के आसपास हो, तो 6 का स्क्वायर है ना कितना होता है 36, ठीक है। तो रिमाइंडर कितना बचा बच्चों, 42 से 36 गया तो कितना आ जाएगा, दैट इज 4 2 6, तो 6 आ गया रिमाइंडर। बाकी दो डिजिट्स को नीचे ले आते हैं, यहाँ पर आ गया 25, जो 6 यहाँ पर लिखे थे यहाँ पर 6 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 12, और यहाँ पर एक डैश, यहाँ पर एक डैश। अब 125 इंटू 5 जा होता है बच्चों 625, तो हमारा क्वेश्चन हो गया खत्म। 0.65 विल बी द आंसर, यस 0.65 इज द आंसर, ओके। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ, ये एग्जांपल खत्म हुआ। उसके बाद एग्जांपल है नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स का, यानी कि ऐसे नंबर्स हमें दिए गए हैं जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, है ना, तो उनका स्क्वायर रूट निकालना है, बट कुछ लिमिट होगा अप टू 2 डेसिमल प्लेस या 3 डेसिमल प्लेस, इस तरीके का कुछ होगा, है ना। जैसे हमें पहला क्वेश्चन दिया है एग्जांपल नंबर 4, देखो वो क्या कह रहा है, फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ, स्क्वायर रूट हमें निकालना है किसका, 24.789 का स्क्वायर रूट निकालना है, करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेस, करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेस, ओके। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो 2 डेसिमल प्लेस तक हम लोगों को करेक्ट वैल्यू निकालना है, तो 24.789 का हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे 24.789। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑड नंबर हो जा रहा है ना, यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑड नंबर तो हम लोग जीरो ऐड कर सकते हैं, है ना, क्या ऐड कर सकते हैं, जीरो, यहाँ पर एक जीरो चाहो तो एक भी ऐड कर सकते हैं या फिर और भी ऐड, ये दो हो गए, ये दो हो गए, ये दो हो गए, ये दो, पेयरिंग कंप्लीट है ना, डेसिमल में पेयरिंग कंप्लीट होना चाहिए नहीं तो फिर प्रॉब्लम होगा, ठीक है। देखो पहले हमारे पास जो नंबर्स दिए थे 1 2 3 4 5, 5 डिजिट था, 5 डिजिट में हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता, हमें इवन करना है, क्या करना है, इवन, तो जीरो ऐड कर सकते हैं, पहले ही बोले थे डेसिमल वाले केस में लास्ट में आप जीरो ऐड कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब देखो हमें एक ऐसा नंबर सोचना है बच्चों जिसका स्क्वायर 24 के जितना हो या फिर 24 से कम हो, तो 4 होगा ऑब्वियसली, 4 4 16, बिकॉज 5 5 25 हो जाता है, तो यहाँ 16 लिखे, उसके बाद 24 से 16 गया बचा कितना 8, और यहाँ पर 4 प्लस 4 कर दिए हो गया कितना 8, और यहाँ पर डैश, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 24 पॉइंट है तो यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा बच्चों 78 को डायरेक्ट नीचे लेकर के आओ 878, है ना। अब यहाँ पर हम लोग जो डैश बनाए हैं वहां पर एक नंबर लिखना है, ऊपर में भी एक डैश बना लो पॉइंट के बाद, वहां पर भी आपको एक नंबर लिखना है, यहाँ जो नंबर लिखोगे यहाँ पर वही नंबर लिखना है, और उसका रिजल्ट 878 के आसपास आना चाहिए, तो वो कितना होगा बच्चों, दैट इज हम लोग अगर 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर 89 करते हैं और यहाँ पर भी 9 करते हैं, तो ये आ जाएगा बच्चों आपका 800 एंड कितना आ जाएगा 1801, ठीक है, फिर इसे सब्ट्रैक्ट करो, ओके, तो ये कितना आ जाएगा, दैट इज 77, है ना, 878 माइनस 801 दैट इज 77। अब यहाँ पर जो लिखे है उसे यहाँ पर ऐड कर दो, हमारा नियम जो है उसी हिसाब से दैट इज 98, फिर यहाँ एक डैश बना दो, यहाँ एक डैश बना दो। अब देखो बाकी दो डिजिट 78 को तो नीचे ला चुके थे, अब 90 को नीचे लेकर आओ 7790। अब फिर से वही नियम, यहाँ पर जो डैश में लिखोगे यहाँ पर भी वही चीज लिखना है आपको, है ना, तो क्या लिखना है हम लोगों को, 7 से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों 987 इंटू 7 तो आ रहा है हमारा 6909, कितना आ रहा है 6909, यही सबसे आसपास वाला नंबर है,
इसीलिए हम लोग 9 7 से मल्टीप्लाई किए थे, 8 से करते तो और भी ज्यादा हो जाता है, इसीलिए 8 से नहीं किए। अब उसके बाद रिमाइंडर कितना आ रहा है, 881। रिमाइंडर कितना आ रहा है, 881। बाकी दो जीरोस को फिर से नीचे लेकर के आओ, दो जीरो को नीचे ले आए, जो 7 यहाँ लिखे थे बच्चों उस 7 को यहाँ पर ऐड भी कर दिए। 987 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 994। उसके बाद एक डैश यहाँ पर, एक डैश यहाँ। अब उसके बाद हम लोग इस डैश में जो लिखेंगे, इस डैश में भी वही लिखेंगे, और इन दोनों के प्रोडक्ट का रिजल्ट इससे कम होना चाहिए या फिर इसके बराबर होना चाहिए। तो हम अगर हम यहाँ पर लिखते हैं 8 9948 * 8 तो कितना आता है बच्चों, दैट इज 7,79,584। ठीक है, उसके बाद रिमाइंडर कितना आ रहा है, 8516। अब हम लोगों को आगे सॉल्व नहीं करना है, बिकॉज देखो हम लोग स्क्वायर रूट निकाल रहे थे, 4.978, 3 डेसिमल प्लेसेस, डेसिमल के बाद 1 2 3, 3 डिजिट हमें मिल चुके हैं, रुक जाओ यहीं पर, है ना। तो स्क्वायर रूट ऑफ 24.789 कितना आया है, 4.978। लेकिन क्वेश्चन में हमें पूछा था अब करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेस, तो 2 डेसिमल यानी कि डेसिमल के बाद एक और दूसरा डिजिट आना चाहिए, तो एक काम करो दूसरे और तीसरे डिजिट को क्या कर दो, राउंड ऑफ कर दो, 78 को राउंड ऑफ करोगे तो बच्चों 80 हो जाएगा। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 4.98, है ना, 980 भी लिख सकते थे, लेकिन करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेस लिखना है तो 98 में ही छोड़ दिए। समझ में आ गया, तो इस तरीके से करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस हम लोग निकाल सकते हैं। ओके, इसी तरीके का एक और क्वेश्चन बच्चों दिया गया है, एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 5 खुद से ट्राई करोगे, एग्जाम्पल नंबर 6 हम बता रहे हैं, दैट इज रूट ओवर ऑफ 3 हमें निकालना है, कितना निकालना है, रूट ओवर ऑफ 3। ठीक है, करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, तो एग्जाम्पल नंबर 6 में दिया है फाइंड द रूट ओवर ऑफ 3। ओके, अच्छा 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं 3.0000, इस तरीके से तो हम लिख ही सकते हैं, है ना, और 0 0। ठीक है, यहाँ पर देखो 3 बार 0 हम क्यों लिए हैं पेयर में, बिकॉज हमें हम स्टार्टिंग में क्या निकालेंगे, करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेस, इसीलिए 3 0 यानी कि 6 डिजिट डेसिमल के बाद कम से कम होने चाहिए। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद यहाँ पर पेयरिंग कर दिए, 2 2 2 और ये 1। अब एक ऐसा नंबर बताओ जिसका स्क्वायर 3 के बराबर हो या फिर 3 के आसपास हो, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, और तो 2 का कर देंगे तो 4 हो जाएगा, 3 से ज्यादा हो जाएगा, है ना। तो अब रिमाइंडर कितना बचा, 2, यहाँ पर 1 ऐड कर दिए तो यहाँ कितना हो गया, 2, यहाँ पर डैश, और यहाँ पॉइंट है बच्चों तो यहाँ पॉइंट लगाकर यहाँ पर डैश दे दिए। ठीक है, अब उसके बाद देखो दो जीरोस को नीचे लेकर के आएंगे, 200 हो गया। अब यहाँ पर हमें एक नंबर लिखना है, वही नंबर यहाँ पर भी लिखना है। ठीक है, तो कितना नंबर लिखेंगे, 27 × 7 इज इक्वल्स टू कितना होता है बच्चों, 27 × 7 दैट इज 189। ठीक है, ओके okay, अब यहाँ पर रिमाइंडर कितना आ रहा है देखो, 11, फिर दो जीरो को नीचे लेकर के आओ, 1100 हो गया। अब यहाँ 7 लिखे थे तो यहाँ 7 ऐड कर दो, दैट इज 34। अब यहाँ एक डैश बना दो, यहाँ फिर से एक डैश बना दो, है ना, 34। यहाँ पर कितना लिखेंगे, 3 लिखेंगे, यहाँ पर भी 3 लिखेंगे, तो कितना हो जाएगा, 343 × 3 कितना हो जाता है बच्चों, 1029, दैट इज 1029। ओके, 1029 यानी कि रिमाइंडर आ जाएगा 71। फिर दो जीरो को नीचे लेकर के आओ, ठीक है, और ये जो 3 लिखे थे उसे यहाँ पर ऐड कर दो, 343 प्लस 3 दैट इज 346, यहाँ पर एक डैश, यहाँ पर भी एक डैश। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर हमें एक नंबर बनना है, ठीक है, और ऑब्वियसली 2 ही होगा, और यहाँ पर भी 2 होगा, 3462 × 2 कितना हो जाता है बच्चों, दैट इज 6924। रिमाइंडर कितना आ रहा है, 176। आगे हम लोग नहीं करेंगे, बिकॉज हम लोग डेसिमल के बाद 3 डिजिट मिल चुका है, है ना, 2 डेसिमल प्लेसेस तक निकालना हो तो 3 डिजिट तक निकालेंगे, उसके बाद राउंड ऑफ करेंगे, है ना। तो हमें क्या मिला ना, रूट ओवर ऑफ 3 इज इक्वल्स टू 1.732, 32 को राउंड ऑफ कर दो, 32 को राउंड ऑफ करोगे 30 होगा,
दैट इज 1.7300 नहीं लिखते, तो डेसिमल के बाद दो डिजिट आ गए, करेक्ट अप टू टू डेसिमल प्लेसेस हम लोगों को वैल्यू मिल गया बच्चों, ठीक है, दैट इज 1.73। उसके बाद है बच्चों स्क्वायर रूट ऑफ फ्रैक्शंस, स्क्वायर रूट ऑफ फ्रैक्शंस ये खत्म हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल नंबर्स, ओके, अब उसके बाद स्क्वायर रूट ऑफ फ्रैक्शंस करेंगे, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ फ्रैक्शंस। जैसे सपोज कर लो पहला एग्जांपल हम लोगों को एग्जांपल नंबर 7 क्या दिया है, देखो दे आर फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 441 डिवाइडेड बाय 1849 है ना, स्क्वायर रूट ऑफ 441 डिवाइडेड बाय 1849, क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 441 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1849, अलग अलग करके लिख दिए। जैसे स्क्वायर रूट ऑफ ए बाई बी को हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ ए डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ बी, तो स्क्वायर रूट ऑफ 441 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1849 उसे अलग अलग करके लिख दिए। तो अब फायदा क्या होगा, एक बार में इसका स्क्वायर रूट निकाल लो, एक बार में इसका स्क्वायर रूट निकाल लो, तो पहले 441 का स्क्वायर रूट निकालते हैं लॉन्ग डिविजन मेथड से, ठीक है, लॉन्ग डिविजन मेथड अगर हम लोग फॉलो करेंगे तो, ठीक है, तो दो और ये एक हो गया है ना। अब उसके बाद 2 का स्क्वायर होता है 4, ठीक है, 2 का स्क्वायर होता है 4 है ना, तो ये हो गया कितना 0, और यहाँ पर 2 लाकर ऐड कर दिए 2, तो यहाँ पर कितना हो गया 4, यहाँ डैश और यहाँ कितना है 41, तो ऑब्वियसली 41 1 जा 41 तो ये कैंसिल, तो रूट ओवर कितना मिला हमें 21, इट इज इक्वल्स टू 21 डिवाइडेड बाय, अब 1849 बचा हुआ है तो 1849 का स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से, तो ये हो जाएगा बच्चों 4 का स्क्वायर, 4 जा 16, ओके, रिमाइंडर हो गया 2, फिर 49 को नीचे ले आते हैं, यहां पर प्लस 4 कर दिए तो ये कितना हो गया 8, यहां डैश और यहां पर भी एक डैश, ठीक है, तो 84 करेंगे तो 32 हो जाएगा, 83 यहाँ 3 जा 249 हो जा रहा है, वेरी गुड, तो ये खत्म हो गया और हमारा रूट ओवर निकल गया कितना 43। तो इस तरीके से लॉन्ग डिविजन मेथड से 441 पे 1849 जो कि फ्रैक्शन में था उसका हम लोग स्क्वायर रूट निकाले, ठीक है। और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं बच्चों, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है उसके बाद 2797 डिवाइडेड बाय 3364 इसका स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है, 21, ओके, तो अब इससे पहले तो हम लोग कन्वर्ट कर देंगे सिंपल फ्रैक्शन में, ठीक है, 3364 इंटू 21 प्लस 2797 जो तरीका होता है आपको, जैसे हम देंगे 5 1 बाई 4, तो 5 4 20 प्लस 1 21 बाई 4 लिखते हैं ना इसे, ठीक है, उसी तरीके से इसे भी कन्वर्ट कर दो पहले, ठीक है, तो इसे जब हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं बच्चों तो कितना आ रहा है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, ओके, इसे जब कन्वर्ट कर रहे हैं तो आ रहा है 73441 डिवाइडेड बाई 3364 का रूट ओवर, ओके, अब हम लोगों को इंडिविजुअली निकालना है, इट इज इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ 73441 डिवाइडेड बाई रूट ओवर ऑफ 3364, अब ऐसे करके हम लोग सॉल्व करेंगे, इंडिविजुअली निकालेंगे, कैसे निकालेंगे इंडिविजुअली, तो पहले 73441 का रूट ओवर निकाल लेते हैं, 73441 का रूट ओवर 2 और ये 1 लॉन्ग डिविजन मेथड करेंगे, तो 2 2 4, 3 नहीं किए बिकॉज 3 3 था 9 हो जाता 7 से ज्यादा है ना, इसीलिए 2 2 4, रिमाइंडर आया 3, यहाँ पर प्लस 2 कर दिए तो ये हो गया 4, यहाँ पर एक डैश, दो डिजिट को नीचे ले आओ 34, यहाँ पर एक नंबर लिखना है और यहाँ पर भी एक नंबर लिखना है बच्चों, कितना लिखेंगे 47, यहाँ पर कितना आ जाएगा 47 आएगा, ओके, तो 47 इंटू 7 जा कितना होता है बच्चों 47 इंटू 7 जा 329, तो रिमाइंडर कितना बचा 334 से गया 329 तो बचा 5, फिर बीच में 41 ले आओ 7 यहाँ पर ऐड कर दो, 47 7 जा 54 यहाँ पर एक डैश,
और यहाँ पर एक डैश, तो यहाँ पर 1 होगा ऑब्वियसली, 541 इंटू 1 इज इक्वल टू 541, ये खत्म हो गया, रूट ओवर मिल गया है 271, ठीक है। तो हम इधर लिख दे रहे हैं स्क्वायर रूट ऑफ, इसका स्क्वायर रूट हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर, दैट इज 271 डिवाइडेड बाय, अब 3364 का लॉन्ग डिवीजन कर दो, 3364 का लॉन्ग डिवीजन करेंगे, ये पेयरिंग कर दिए, उसके बाद 5 5 25 है ना, उसके बाद रिमाइंडर कितना आ रहा है देखो, 864 यहाँ पर 5 ऐड कर दिए, ये गया 10, यहाँ एक डैश, यहाँ एक डैश, तो ये कितना हो जाएगा फिर, दैट इज 8 करते हैं, 108 इंटू 8 इज इक्वल्स टू 864 खत्म, है ना, 0 0 0 58 आ गया, तो इसका रूट ओवर हम लोग यहाँ पर लिख दिए डिनोमिनेटर में, दैट इज 58, सो दिस इज द आंसर 271 बाई 58। तो होपफुली आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, है ना। अब उसके बाद और एक तरह का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ओके, इस चीज को आप लोग समझो और प्रैक्टिस करो, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे बच्चों उतना ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा और ज्यादा देर तक याद भी रहेगा। हम लोगों को एक क्वेश्चन दिया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 37249 का रूट ओवर फ्रॉम एंड फ्रॉम दिस वैल्यू फाइंड आउट, ओके, तो एग्जांपल नंबर 9 में देखो क्या दिया है, वो बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट ओवर ऑफ 37249, इसका रूट ओवर निकालना है पहले, तो पहले रूट ओवर निकाल लेते हैं, 37249 का रूट ओवर निकालेंगे, पेयरिंग कर दो, 2 2 1, तो ये 1 1 1 हो गया, रिमाइंडर आया 2 प्लस 1, तो यहां पर 2, ओके, फिर 72 को नीचे लेकर के आओ, यहां पर एक डैश है बच्चों, यहां पर एक डैश है 272, तो यहाँ पर हम लोग कितना लिखेंगे, दैट इज हम लोग लिखेंगे 929 इंटू 9 जा कितना हो जाता है, दैट इज 261, 261, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 11, और फिर 49 को नीचे ले आते हैं, है ना। ये रूट ओवर निकालना आप लोग जानते हो, लॉन्ग डिविजन मेथड से सीखे हम इसे, कर ले रहे हैं आराम से अपने आप। अब यहाँ पर हम लोग फिर कितना ऐड कर देंगे, प्लस 9 ऐड कर दिए, 29 प्लस 9 दैट इज 38, अब यहाँ पर एक डैश बना दो, यहाँ पर एक डैश बना दो, 38 डैश और यहाँ पर एक डैश, और उसमें हम लोग लिखेंगे कितना, दैट इज इक्वल्स टू 383 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 1149, तो ये हो गया बच्चों खत्म, दैट इज 0, तो रूट ओवर कितना आया, इट इज इक्वल्स टू 193, कितना है 193। अब हम लोगों को वो बोल रहा है क्वेश्चन में क्या, फाइंड फाइंड हम लोगों को बोला है रूट ओवर ऑफ 372.49 प्लस रूट ओवर ऑफ 3.7249 का वैल्यू निकालो, ठीक है, इतने का वैल्यू, हम लोग 37249 का वैल्यू जानते हैं, लेकिन हम लोगों को जो क्वेश्चन में वो पूछ रहा है वो डेसिमल के आकार में पूछ रहा है। अच्छा बताओ क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 37249/100 का रूट ओवर लिख सकते हैं इस चीज को, ऑब्वियसली, और इसे क्या हम ऐसे लिख सकते हैं 37249/10,000 का रूट ओवर लिख सकते हैं, है ना, 372.49 को हम नहीं लिख सकते 37249/100, है ना, बस वही तो किया और कुछ नया नहीं किया, ठीक है। अब उसके बाद देखो 37249 का रूट ओवर आपको पता है 193, 100 का रूट ओवर कितना होगा 10, प्लस 37249 का रूट ओवर आपको पता है 193, 10,000 का रूट ओवर कितना होगा 100, ठीक है, 193 बाई 100 इज 19.3 प्लस 193 बाई 100 सॉरी 10 इज 19.3, 193 बाई 100 इज 1.93, अब इन दोनों को ऐड कर लो कितना आ रहा है आंसर, दैट इज इक्वल्स टू 21.23, हो गया खत्म, है ना, तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे, इस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे, ओके। तो ये कर सकते हो आप लोग, है ना। अब उसके बाद आते हैं लास्ट एग्जांपल पे, दैट इज एग्जांपल नंबर 10, ओके। कुछ एग्जांपल अगर छूट गए हैं बच्चों तो उन्हें खुद से ट्राई आप लोग करोगे, है ना, उन्हें खुद से ट्राई करोगे आप लोग, ताकि सारा का सारा एग्जांपल कवर हो सके। पहले तो हम लोग एग्जांपल नंबर 10 देखते हैं क्या दिया। Find the value of root over of 72
इनटू रूट ओवर ऑफ 338, ठीक है, दोनों रूट है तो बच्चों मल्टीप्लाई कर देते हैं, इट इज इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ 72 इनटू 338, प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं, 72 का प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 इनटू 2 इनटू 2 इनटू 3, 2 इनटू 2 4 इनटू 2 8 इनटू 2 इनटू 2 दैट इज 4, 4 इनटू 2 दैट इज 8, 8 इनटू 3 दैट इज 24, 24 इनटू 3 दैट इज 72, है ना। उसके बाद 338 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, ना इट विल बी इक्वल टू इनटू 2 इनटू 13 इनटू 13, है ना। ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन है ये किसका है, 338 का, ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन है ये किसका है, 72 का, इसका रूट ओवर। अब देखो 2 2 यहां पर एक 2 यहां पर एक 2 पेयर में है, तो 2 इनटू 2 एक पेयर हो गया, इनटू 2 इनटू 2 दूसरा पेयर हो गया, 3 इनटू 3 भी एक पेयर है, 3 इनटू 3, उसके बाद इनटू 13 इनटू 13, ओके सब डबल डबल प्रेजेंट है ना, तो सब में से एक ले लो, दैट इज 2 इनटू 2 इनटू 3 इनटू 13, दैट इज 156 आएगा इसका आंसर, ठीक है, 156, ओके। तो इस तरीके से बच्चों एग्जांपल नंबर 10 हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था बच्चों 3D एक्सरसाइज का एग्जांपल, ठीक है, आप लोग इसके एक्सरसाइज को ट्राई करेंगे और जो डाउट्स हैं आप लोगों ने भेजा है बच्चों उसको भी हम बहुत जल्दी क्लियर करने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, जितना जल्दी हो सकेगा हम उसे भी क्लियर कर देंगे। तो ये था बच्चों आज का क्लास, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।